Hello everyone, welcome back to this classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is physical quantities and measurement. This is the chapter number 2 of physics. In this video we learn about the density bottle and relative density and how to determine the relative density of a liquid and so all topic. So without wasting time we start the video. Let us start density bottle. सबसे पहले जान लेते हैं कि डेंसिटी बॉटल क्या होती है. ठीक है, यानी कि एक डेंसिटी बॉटल जो होती है वो स्पेसिफिक टाइप के डिज़ाइन वाली एक ग्लास बॉटल होती है जो थोड़ी सी राउंडेड शेप में होती है, थोड़ी सी गोलाकार शेप में, राउंड शेप में होती है. ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो होता है स्टॉपर लगा होता है, एक थिन होल टाइप का होता है, पतला सा होल लगा होता है इस पर, है ना. आप डायग्राम में देखो, आपको खुद दिखाई देगा. यहाँ पर आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ए डेंसिटी बॉटल इज स्पेशली डिज़ाइन ग्लास बॉटल. ये स्पेशली डिज़ाइन बॉटल है, ग्लास बॉटल जो कि राउंडेड होती है थोड़ी सी, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्लास स्टॉपर लगा हुआ है और इसके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, होल होता है. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. ठीक है, सो मेनली ये थिन होल थ्रू इन एग्जैक्ट वेट एंड वॉल्यूम को पता करने के लिए होता है. वेन द बॉटल इज़ फिल्ड विद लिक्विड, जब कोई ये बॉटल जो है लिक्विड से फिल्ड हो जाती है तो स्टॉपर जो होता है इंसर्टेड या हो जाता है, यानी कि अपने आप ही वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है. एंड एक्सेस लिक्विड जो होता है उस पर से क्या होता है, बाहर निकलता है, उस जो होल रहता है ना उसमें से थोड़ा 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 करके ड्रोन आउट होता है, गिरता रहता है पानी. दस द लिक्विड विल कंटेन द सेम वॉल्यूम लिक्विड इच टाइम वेन इट इज़ फिल्ड. इट कैन बी वेटेड एम्प्टी एंड देन वेटेड कंटेनिंग लिक्विड हुज ऑल द डिजायर्ड कैलकुलेटेड. दस द यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एंड रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. इससे हम लोग मेनली देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे समझ सकते हो कि आप लोग रिलेटिव डेंसिटी बॉटल का यूज़ कब करते हो. मेनली आपको जब जो है किसी लिक्विड की डेंसिटी पता करनी है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेशल टाइप के लिक्विड की डेंसिटी पता करनी है हम लोग को. स्पेशली डिज़ाइन ग्लास बॉटल होती है ये, जिसमें स्टॉपर लगा होता है. एक बार हम लोग इसको खाली मेज़र करेंगे इसके वेट को, और दूसरी बार इसमें हम लोग लिक्विड को पोर करने के बाद मेज़र करेंगे किसी भी लिक्विड को. ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. सो द मास ऑफ इन ग्राम वाटर नीडेड फिल द बॉटल एंड कम्प्लीटली विन गिव वॉल्यूम ऑफ बॉटल. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आप रिलेटिव डेंसिटी होती क्या आप ये जान लो पहले. तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है लिक्विड की, रिलेटिव वेट होता है लिक्विड का कंपेयर्ड टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. इट डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, जिसको हम लोग RD शॉर्ट में बोलते हैं किसी सब्सटेंस की, वो एक तरह का रेशियो होता है डेंसिटी का, किसी भी दी गई सब्सटेंस की डेंसिटी का एक रेशियो होता है जो पर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पे निकाला जाता है. हमेशा याद रखना जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसमें वाटर जो होगा हमारा, वाटर की डेंसिटी जो होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे वो निकाली जाएगी, है ना, और दिए गए सब्सटेंस की डेंसिटी होगी. इसका फॉर्मूला होता है हमारा कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होगी उसको हम लोग मेज़र करेंगे. इट टेल्स हाउ हैवी और डेंस सब्सटेंस इज व्हेन कंपेयर टू वाटर. वी कैन से दैट सब्सटेंस विच फ्लोट और सिंक इन वाटर. इट फाइंड दैट लिक्विड दैट लाइटर देन वाटर हैव अ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 एंड विल फ्लोट ऑन वाटर. अब मैं बात करूँ अगर कि टेल अस हाउ हैवी और डेंस, आप कैसे पता लगाओगे कोई भी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हैवी है, ये घना है या बहुत हल्का है इन कंपेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन में. सबसे पहली बात कि अगर कोई चीज़ जो है वाटर के ऊपर डूब, वाटर पे फ्लोट कर रही है, तैर रही है, उसको हमने डाला, हमने मान लो हमने एक कॉइन लिया, कॉइन को हमने पानी भरा हुआ एक जग था उसमें हमने डाल दिया, तो वो जाकर नीचे बैठ जाएगा. इससे क्या पता चल रहा है कि वो हैवी है, है ना, पता चल रहा है कि वो हैवी है. और फिर अगर हमने कागज़ का एक टुकड़ा डाला, वो वहाँ पर जो है फ्लोट करने लगा वाटर पे, वो फ्लो सरफेस पे वो फ्लो करने लगा, तो इसका मतलब है कि वो तैरने लगा, इसका मतलब है कि उसकी जो है डेंस, वो डेंस क्या है, वो हल्का है, यानी कि उसका भारी भार देखे तो वो हल्का है इन कंपेरिजन टू वो सिक्वाइन जो हमने डाला था उस वाटर में. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, सो लिक्विड डैट लाइटर देन वाटर, लिक्विड जो होंगे वो लाइटर होंगे देन वाटर, हैव रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 एंड विल फ्लोट ऑन वाटर, और वो इजीली वाटर में फ्लोट कर सकते हैं. देन हमारा लिक्विड डैट आर हैवियर, ऐसा लिक्विड जो हैवियर होगा वाटर से, उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो मोर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, जो कि डूब जाएगा वाटर में. वाटर में क्या होगा, वाटर सर्फेस के नीचे वो डूब जाएगा. सो
सिंस आर डी जो रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो होता है टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो वो यूनिटलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो इट्स वैल्यू सेम इन सी जी एस एंड एस आई यूनिट। इसकी वैल्यू जो होती है सी जी एस यूनिट में भी सेम होती है, एस आई यूनिट्स में भी सेम होती है। सो यहाँ पर हमारी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जिसका हमें निकालना है घनत्व, उसकी डेंसिटी हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और अपॉन में हमारा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी रखेंगे, लेकिन कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये याद रखना है आपको। अब डेंसिटी इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में जो है आर डी इज टू होता है 1000 ग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब हो जाता है। और डेंसिटी सीजीएस पद्धति में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है आर डी इंटू 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी यहाँ पर हो जाता है। तो अलग अलग टर्म में, अलग अलग सिस्टम में, लाइक एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन, ठीक है। सो यहाँ पर है फिर रिलेटिव डेंसिटी इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसमें होती है भाई, तो इस वजह से भी इसका थोड़ा सा इसका जो फार्मूला है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आई होप, देखो ये वाला फार्मूला क्या दिखा है, सिंस डेंसिटी इज रेशियो मास अपॉन में वॉल्यूम, वी कैन ऑल्सो राइट, इसको मास अपॉन में वॉल्यूम को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ गिवन, यहाँ पर लिखा है ना मास ऑफ गिवन सब्सटेंस फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम पर कितना मास दिया गया है इस सब्सटेंस का, और मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर सेम वॉल्यूम। अब यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या डिटर्मिनेशन है डेंसिटी का लिक्विड के, ठीक है, डिटर्मिनेशन क्या है रिलेटिव डेंसिटी का लिक्विड के, तो डिटर्मिनेशन जो होता है रिलेटिव डेंसिटी का लिक्विड के, वो यूजिंग किया जाता है डेंसिटी बॉटल, वी फॉलो दिस स्टेप, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम लोग इसको पता करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कि हमें वॉश करना है बॉटल को और उसको सुखाना है, फिर उसके वेट को मीज़र करना है, उस ड्राई और इम्पटी बॉटल को हमें डेंसिटी उसकी मीज़र करनी है कि खाली बॉटल की डेंसिटी कैसे कितनी है, लेट द मास ऑफ इम्पटी डेंसिटी बॉटल देन मिलीग्राम, हम इसको मिलीग्राम में निकालेंगे। अब देन हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब वो वाटर जो है वो रिमूविंग द स्टॉपर ऑफ द बॉटल, देन रिप्लेस द स्टॉपर, मीजर द मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद वाटर, लेट मास डेंसिटी बॉटल विद वाटर बी मिलीग्राम, यहाँ पे m2g/g में, ठीक है। एक पहले वाले को हम लोग जो खाली बॉटल को नाप रहे थे उसको हम m1 में नापे में, और जो हम लोग भरी हुई बॉटल यानी कि उसमें पानी डाल के नाप रहे हैं तो हम लोग उसको m2 सपोज कर लेते हैं। एम्प्टी बॉटल जो खाली बॉटल है उसको फिर से सुखाएंगे एंड देन फिर से हम उसमें एक लिक्विड डालेंगे, वो लिक्विड डालेंगे जिसकी हमें डेंसिटी पता करनी होगी, अवॉइडिंग एयर बबल्स, हमें ये ध्यान देना है कि उसमें बबल्स ना आ रहे हों। देन रिप्लेस द स्टॉपर, उसके बाद हम स्टॉपर को रिप्लेस कर देंगे, देन मीज़र इट्स मास अगेन, और उसके बाद दोबारा उसके मास को, दोबारा से उसके मास को हम लोग वेट करेंगे, है ना। सो लेट अस मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विज लिक्विड बी, इस बार हमारा जो लिक्विड का मेजरमेंट होगा वो m2 में होगा, तो नाउ मास ऑफ वाटर हमें कितना पता चलेगा, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद वाटर, यानी कि जो भी डेंसिटी बॉटल की थी वाटर के साथ अपॉन माइनस कर देंगे उसमें से मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी, यानी कि जो खाली बॉटल थी, है ना। सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मैं m2 - m1, यानी कि जो भरी हुई बॉटल था जिसमें लिक्विड डाला हुआ है और उसमें से एक खाली बॉटल को माइनस कर देंगे ग्राम में, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद लिक्विड माइनस एम्प्टी ऑफ डेंसिटी बॉटल, तो मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा m3 - m1, है ना। फिर रिलेटिव डेंसिटी हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, मास ऑफ लिक्विड अपॉन में मास ऑफ वाटर, ठीक है, जो लिक्विड का मास है और अपॉन में जो वाटर का मास है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को आर डी इक्वल टू मिल जाएगा m3 m1 और m2 m1। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी आप लोग को इतना थोड़ा क्लियरली नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल का वजन कितना है, 40 ग्राम है, एंड इसका इट्स मास व्हेन फिल्ड, जब इसमें हम लोग वाटर फिल कर दे रहे हैं, जब इस खाली बॉटल में हम लोग पानी डाल दे रहे हैं, वाटर डाल दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं उसको, तो हमारा उस वेट जो है बॉटल का कितना हो जा रहा है, 85 ग्राम हो जा रहा है, एंड 75 ग्राम वेट जो है वो फिल्ड विद ऑयल, उसके बाद हम उसमें कुछ लिक्विड डाल रहे हैं 75 ग्राम, तो उसका वेट और जब हो जा रहा है। नाउ अभी फाइंड करना है मास ऑफ वाटर, वाटर का कितना मास है और रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उस ऑयल की, दो अलग अलग चीज़ों को हम लोग को डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको हम लोग निकलेंगे, एम्प्टी बॉटल का वेट कितना था हमारा, 40 ग्राम था, है ना। हमें मास ऑफ वाटर निकालना है, तो मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद वाटर माइनस मास ऑफ एम्प्टी बॉटल, जैसे आप निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे, कि भरी हुई बॉटल का खाली बॉटल से माइनस कर दोगे, तो माइनस किया हमारा 45 ग्राम आया। अब मास ऑफ ऑयल निकालना है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद ऑयल और मास ऑफ खाली बॉटल यानी डेंसिटी बॉटल, ठीक है, खाली बॉटल का माइनस कर दोगे उसमें से, 75 में से 40 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 35 ग्राम आ गया। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो वही हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑयल और मास ऑफ वाटर,
ठीक है, तो मास ऑफ ऑयल हमारा कितना निकला है अभी, 35 ग्राम निकला है, और मास ऑफ वाटर हमारा कितना निकला था, 45 ग्राम निकला था। अब ये हमारा जो है कट फिट के हमारा आंसर आ जाएगा 0.77 समथिंग। देखिए आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना, ये चीज़ आप लोग क्लियरली दिख रही होगी। अब चलो अब हम लोग आते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑल द मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, हम सबको पता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो थ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है ना। सो एग्जाम्पल, आइस, वाटर एंड स्टीम आर थ्री स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई बिकॉज दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये इजिली फ्लो नहीं कर पाते हैं, इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है ज़्यादा, और ये बहुत ही लो होता है, होता भी है तो बहुत लो होता है। एज लिक्विड हैव कंपेरेटिवली लेस डेंसिटी, लिक्विड में जो है डेंसिटी बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, एंड इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस भी पाया जाता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, और लिक्विड जो होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, जबकि गैस जो होंगे वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें डेंसिटी उनकी जो होगी बहुत लो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। दस वी कैन सेट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन लिक्विड एंड ग्रेटर देन गैसेस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी हमें दिखाई दे रही है, सॉलिड की दिखाई दे रही है, उससे कम हमारी लिक्विड की और सबसे कम हमारी गैसेस की। आप लोग को ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी, तो आप लोग लिखोगे गैसेस, उससे फिर हम बोलेंगे सॉलिड से लीस्ट किसकी होगी, लिक्विड की होगी, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ टर्म दिए गए हैं, आप लोग इस चार्ट को देख लेना, ठीक है। फिर हमारा है, देखो यहाँ पर फिर हम लोग को न्यूमेरिकल है, ये भी एक चार्ट है। सो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ से देखते हैं इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी आप लोग ये वाले क्वेश्चन देख लोगे ना, सारे एग्जांपल के क्वेश्चन आप लोग देख लोगे, तो आप लोग के लिए जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको लगाना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कि वॉल्यूम दिया है किसी ऑब्जेक्ट का 27 cm³ एंड मास ऑब्जेक्ट का दिया है 96 ग्राम। तो वॉट इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो स्क्वल टू एम अपॉन में वी, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें मास भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, सिंपली हम लोग मास और अपॉन वॉल्यूम रख के डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यही इसकी यूनिट होती है हमारी डेंसिटी की, ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारा, वॉट इज़ द डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजरिंग द साइड ऑफ 4 cm, ठीक है, हैव मास 310 ग्राम। क्या यहाँ पे कह रहा है, वॉट इज़ द डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी पूछ रहा है कि एक क्यूब मेजरिंग है जिसकी साइड 4 cm है और उसका मास इतना दिया हुआ है। तो मास हमारा देखो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब 4 cm दी है, मास हमारा इतना दिया है, तो वॉल्यूम पहले हम निकालना पड़ेगा हमें क्यूब का। तो वॉल्यूम हमारा क्यूब का क्या होता है, कल ही मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था आप लोग को, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, वन साइड क्यूब का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 = 64, ठीक है, और यहाँ 4 4 = 16 और 16 4 = 64, ठीक है, ये हमारा 64 आ जाएगा सेंटीमीटर में। फिर हमारा डेंसिटी निकालना है हमको, रो स्क्वल टू हो जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम में हम लोग इसको पुट कर देंगे। हमारा मास कितना था, 310 ग्राम था, और वॉल्यूम अभी हमने निकाला 64 cm³। इसको सॉल्व करेंगे देन हमारा आंसर मिल जाएगा 4.8 g/cm³। नेक्स्ट है हमारा, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 50 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट वेट 180 ग्राम। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का दिया है 50 ml, ठीक है, 50 ml कितने, किसके बराबर होगा बेटा, आपको कल ही मैंने बताया था किसके बराबर होगा 50 cm, देखो यहाँ पर देखो 50 cm² है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 m² बराबर होता है 1 cm³ के, तो 50 cm³ बराबर हो जाएगा, है ना, तो 50 ml बराबर हो जाएगा 50 cm³ के। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, जो मास हमें दिया है सॉल्यूशन का, वो कितना दिया है, 180 ग्राम दिया हुआ है। अब हम यहाँ से डेंसिटी फाइंड कर लेंगे, डेंसिटी हमारा हो जाएगा रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम हम पुट कर देंगे यहाँ पर, मास हमारा कितना है 180 ग्राम है और हमारा वॉल्यूम अभी निकला है हमारा 50 cm³। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, ये भी कट जाएगा हमारा, 5 से ये कटेगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा हमारा 3.6 something g/cm³, ठीक है। फिर चौथा देखो क्वेश्चन में क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ ब्रास, ब्रास की डेंसिटी दी है 8.4 g/cm³, एक्सप्रेस इट्स kg/cm³। यहाँ पर हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ यूनिट को चेंज करना है, ठीक है, जो हम लोग को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है उसको हम लोग को किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो हमें पता होना चाहिए यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं।
सॉल्यूशन है हमारा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। तो हमारा रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.4 से हम लोग 1000 किलोग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। देन हमारा है द बीकर ऑफ मास, बीकर मास इज 80 ग्राम व्हेन इट इज़ एम्प्टी। कोई बीकर का मास जो है वो 80 ग्राम है जब वो बिल्कुल खाली है। व्हेन इज़ लिक्विड फिल्ड, जब उसके अंदर लिक्विड भरा जा रहा है, जब उस बीकर के अंदर लिक्विड भरा जा रहा है तो टोटल वेट उसका हो जा रहा है 150 ग्राम। तो वॉल्यूम जो है लिक्विड का 60.4 मिलीलीटर है। तो बताओ डेंसिटी लिक्विड की कितनी होगी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग फार्मूला जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग खाली बॉटल का लिखेंगे कितना था मास, उसके बाद बीकर में लिक्विड के साथ जो है कितना मास हो गया, इतना हो गया। फिर मास ऑफ लिक्विड हमारा कितना दिया है, मास ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम लोग ये वाला M2 में से M1 माइनस कर देंगे, यानी कि जो भरी हुई बॉटल है लिक्विड उसमें से हम लोग खाली बॉटल को माइनस कर देंगे। तो हमारा इतना आ जाएगा 70 ग्राम। अब हमें वॉल्यूम लिक्विड का निकालना है, तो वॉल्यूम हमें पता है कितना दिया हुआ है, हमें 60.4 मिलीलीटर दिया हुआ है। इसको पहले मिलीलीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। हमें पता है कि 1 मिलीलीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 60 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 60.4 सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ से हम लोग डेंसिटी लिक्विड की इजीली निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ पर पुट कर दिया और हमारा आंसर 1.515 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखो हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल इज 50 ग्राम एंड इट्स मास व्हेन इज फिल्ड विद द वाटर इज 75 ग्राम एंड 85 ग्राम वेटेड व्हेन इट्स फिल्ड विद द अननोन लिक्विड नाउ फिल्ड। मास ऑफ वाटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है कि अननोन लिक्विड का जो है डेंसिटी कितना होगा। तो आप लोग कैसे करोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इट इज़ गिवन क्या दिया हुआ है कि मास खाली बॉटल का कितना दिया है 50 ग्राम दिया है, मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल फिर माइनस कर देंगे उसमें से एम्प्टी बॉटल को जैसे आप कर रहे हो नॉर्मली वैसे ही। तो यहाँ पर फिर हमें अननोन लिक्विड का निकालना है, तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल विद लिक्विड मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल। तो हमें इन अननोन लिक्विड का निकालना है, तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल कितना हमारा निकला है 85 ग्राम है, और हमने जो अभी निकाला मास ऑफ वाटर 50 ग्राम है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना मिला 35 ग्राम। तो ये हमारा अननोन लिक्विड हो गया। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है अननोन लिक्विड की वो हमें कैसे पता चलेगी, मास ऑफ अननोन लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर 35 ग्राम 25 ग्राम, और यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 1.4 आ जाएगा समथिंग। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको जो है लिख के नहीं बताए हैं क्योंकि बुक में आपके खुद ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बस आप लोग को समझ लेना है, आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। सो, यहाँ तक हम लोग का पूरा ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर 2। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, जो भी इसके न्यूमेरिकल हैं देख लो आप कौन न्यूमेरिकल हैं, इन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।